हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 8 और बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं जा रही थी कहीं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और तो बस मैं हो रही हूँ रेडी और इसके बाद मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि शादी है हमारे भांजे की, तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। सारी देवरानी जेठानी सब लोग जाएंगे, पूरा परिवार, मतलब जितनी भी देवरानी जेठानी हैं सब लोग एक साथ जाएंगे, 4-5 लोग। तो आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिए, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि शादी में जाना था और भांजे की शादी में हमेशा जो कपड़े वपड़े लेके जाया जाता है, तो बस वही सब लेके हम लोग एक दिन आगे से निकलेंगे यहाँ से। तो एक दिन पहले जाऊँगी ससुराल अपने, और ससुराल में फिर वहाँ पे एक रात रुकूँगी, उसके बाद फिर दूसरे दिन नंद के यहाँ जाएंगे सब लोग साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अकेले रहते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने कहा चलो ससुराल चलते हैं, वहीं सबके साथ में चले जाएँगे। तो बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी, बैग वैग लगा लिया है और नाश्ता बना लिया था मैंने, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहे थे, थोड़े ही कपड़े ले जा रहे थे, लेकिन सर्दियों की वजह से तो हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ कपड़े। और आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जाना था तो मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। इतना कोहरा छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो मैंने कहा जब कोहरा छट जाएगा तो 10-11 बजे तक निकलूँगी घर से, तो हल्की हल्की धूप निकल आएगी। लेकिन कोहरा डेली पड़ता है, धूप तो निकल आती है 11-12 बजे के बाद, लेकिन सुबह से कोहरा ही रहता है। तो बस वही ठंडी थी, तो मैं वही से रेडी हो रही थी। और आप लोग फिर मिलते हैं, आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग डाला ही नहीं था, मुझे मौका ही नहीं मिला यहाँ वहाँ। तो हम लोग हल्दी वाले दिन पहुँच गए थे, तो ये देखिए हल्दी हो रही थी, लेकिन इतने काम में भी सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो हम लोग तो बाहर से देख ही रहे थे, ये हल्दी की तैयारियाँ चल रही थी वहाँ पर। और इसके बाद फिर मेहंदी हुई थी, हल्दी के बाद फिर मेहंदी हुई थी। तो मेहंदी में सब लोग ये देखिए मेहंदी की है, तो सब लोग हरे हरे कपड़े पहन के मेहंदी लगवा रहे थे, मेहंदी वाला वीडियो है। और इसके बाद था संगीत, तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, गाना चल रहा था। सब लोग बैठे हुए थे, खूब अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो वहीं पे पहले छत में थोड़ी देर बैठे रहे जब हम पहुँचे थे। तो बस ना दूसरे दिन का ब्लॉग, जिस दिन गए थे उस दिन तो मैंने कुछ नग्न संगीत चल रहा था वहाँ पे, हल्दी मेहंदी सब देखते रहे और ये कपड़े पहनाए कि वहाँ पे रस्म होती है, तो जो ले जाते हैं कपड़े वपड़े गहरे हुए वो सब पहनाए जाते हैं वहीं पर मंडप के नीचे, तो बस वो सबका रस्म हो चुकी थी। और इसके बाद है हमारा भांजा जो ये कपड़े पहन रहा, अब तैयारी हो रही है, तो जिस बारात वाले दिन का वीडियो है ये। तो फिर बस ये अब सब लोग घर से निकल लिए हैं, यहीं पर डांस हो रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, सब भांजी थी जो भी थी और सब लोग डांस कर रहे थे, बारात निकलने वाली थी।
एमरजेंसी होती है तो जो मंदिर होते हैं सभी मंदिरों में जाते हैं, लड़का जो दूल्हा होता है सभी मंदिर में जाता है पान मतासा चढ़ाने के लिए। और तो बस वो एक जगह सब लोग बाजा खड़े हुए थे, वहीं पे सब लोग डांस कर रहे थे और दूल्हा मंदिर जितने भी मंदिर होंगे गांव के वहाँ पे सब लोग लिए उसको लिवा के गए थे। तो वो अपने मंदिर में मंदिर मंदिर घूम रहा था, औरतें पीछे पीछे, रात हो गई थी तो कहने कहाँ घूमेंगी, तो बस एक जगह जहाँ बाजा बज रहे थे वहीं पर सब लोग डांस कर रहे थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुआँ पूजन हुआ करता है, तो फिर उसके बाद कुआँ पूजन होगा और बस उसके बाद फिर दूल्हा चला जाएगा, बारात चली जाएगी। फिर इसके बाद ये देखे सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही बिजी थे। फ्रेंड्स मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, और आप लोग बताइए आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग।